प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल था s, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया और उसके बाद हमने इंडेक्स ऑफ का जो ओवरलोडेड वर्जन है जिसमें हम कैरेक्टर और फ्रॉम इंडेक्स पास करते हैं, उसे दोनों को यहाँ पर पास किया और हमने देखा कि किस तरह से हमने डू व्हाइल लूप का यूज़ करके हर एक अकरेंस को यहाँ पर प्रिंट किया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल s एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया है, राम इज अ गुड सिंगर। देन उसके बाद हमने एक इंटीजर वेरिएबल फ्रॉम लिखा हुआ है और उसकी करंट वैल्यू क्या सेट की है, -1। तो ये हमारा जो फ्रॉम नाम से वेरिएबल है उसकी करंट वैल्यू हमने सेट कर दी है -1। नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये डू व्हाइल लूप है। डू व्हाइल लूप में ये डू कीवर्ड है, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये हमारा डू बॉडी हो गया। तो डू व्हाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है और फॉर और व्हाइल लूप जो होते हैं वो एंट्री कंट्रोल्ड है, यानी कि उसमें एंटर होने से पहले आपको टेस्ट पास करना पड़ता है। डू व्हाइल हमें अलाउ करता है कि आप एटलीस्ट ये जो गिवन स्टेप्स है उनको अनकंडीशनली एक बार आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है उनको एटलीस्ट एक बार परफॉर्म कर सकते हो अनकंडीशनली, लेकिन जैसे ही एक एक करके सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे यहाँ पर एंड में एक टेस्ट पास करना होगा। अगर ये टेस्ट पास हो गया तो हम इस डू बॉडी को रिपीट करेंगे, तो डू इट अगेन, इफ टेस्ट पास होता है तो फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पहली बार इस जॉब को, डू जॉब को परफॉर्म करने के लिए कोई टेस्ट हमें कंडीशन पास नहीं करना होता है। नाउ अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप ये है डू स्टेटमेंट। तो डू बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। डू बॉडी के अंदर पहला स्टेटमेंट है कि जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल s है उसके ऊपर हमने इंडेक्स ऑफ कॉल किया हुआ है और जो इंडेक्स ऑफ है इसमें हमने कैरेक्टर i पास किया है। आप कोई दूसरा कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग i के जितने भी अकरेंसेज हैं उनको फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर कैरेक्टर i पास किया जिसको हमें यहाँ पर जिसका हमें इंडेक्स मालूम करना है। देन उसके बाद हमने कहा फ्रॉम +1। अब आपको तो मालूम है फ्रॉम की करंट वैल्यू क्या है, -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि हम बोल रहे हैं कि इंडेक्स ऑफ परफॉर्म करो s नाम के स्ट्रिंग पर, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम इंडेक्स कौन सा होना चाहिए, तो हमने कहा -1 +1 हो गया 0। तो 0 से सर्च करना शुरू करना है, किस कैरेक्टर को, कैरेक्टर i को। यहाँ पर हमने आपकी हेल्प के लिए जो पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग है उसे लिखा हुआ है, साथ में उसको इंडेक्स भी असाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं हम 0 से स्टार्ट करेंगे और जो i का फर्स्ट अकरेंस है उसको फाइंड करेंगे। तो जब फ्रॉम की वैल्यू -1 है तो -1 + 1 0 हो गया। हमने कहा इंडेक्स ऑफ परफॉर्म करो, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो और i का जो फर्स्ट अकरेंस होगा उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करो। तो हमने कहा 0, 1, 2, 3, 4। आप देख सकते हैं इंडेक्स 4 पर हमें जो i का फर्स्ट अकरेंस फाइंड हो चुका है। तो याद रखो हमें इंडेक्स 4 पे ये i का फर्स्ट अकरेंस फाउंड हुआ। तो इंडेक्स ऑफ जो मेथड है वो हमें क्या रिटर्न कर देगा, वो हमें इंडेक्स रिटर्न करेगा 4। तो फ्रॉम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने कहा 4। तो हमने उस इंडेक्स वैल्यू को फ्रॉम में स्टोर कर दी है। नाउ हम यहां पर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, वो है इफ स्टेटमेंट। यहां लिखा है फ्रॉम नॉट इक्वल टू -1। तो जो फ्रॉम है उसकी करंट वैल्यू क्या है, 4। तो हमने कहा 4 नॉट इक्वल टू -1, ट्रू। From is not equal to -1, true, true। तो if के अंदर आओ और यहाँ मैंने if में कोई curly brackets नहीं लिखा है, उसका reason ये है कि हमारा if जो है वो single line code है, तो इसीलिए अगर test pass होता है तो if के बाद जो immediate statement है बस इतना ही if का body है। तो यहाँ लिखा है system out println I found it from, तो I found it index 4, clear है। Now, तो now इसके बाद next क्या step है, डू बॉडी कंप्लीट हो चुका है, डू बॉडी के अंदर जो स्टेप्स हैं वो सारे परफॉर्म हो गए हैं। अब हमें अगला स्टेप परफॉर्म करना है, वो है व्हाइल। तो यहाँ पर व्हाइल जो लिखा है, डू व्हाइल का व्हाइल टेस्ट परफॉर्म करता है। यहाँ पर फ्रॉम की करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 4 है, तो हमने कहा 4 इज नॉट इक्वल टू -1, ट्रू। तो ट्रू है तो डू बॉडी को हम रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करने से पहले आप देखो हमने फिर से क्या बोला, स्ट्रिंग s के ऊपर फिर से इंडेक्स ऑफ परफॉर्म करो, यानी कि सेम स्ट्रिंग पर हमें i का फर्स्ट अकरेंस मालूम करना है पर फ्रॉम इंडेक्स से मालूम करना है, और फ्रॉम की करंट वैल्यू क्या है, 4, और 4 + 1 कितना हो गया, 5, यानी कि इंडेक्स 5 से सर्च करो। तो ये +1 क्यों किया है वो अब आपको देखने मिलेगा। तो हमें कहाँ से सर्च करना है, इंडेक्स 5 से सर्च करना है, किस कैरेक्टर को,
कैरेक्टर आई को उसके जो फर्स्ट अकरेंस है कैरेक्टर फाइव से सर्च करना है। तो आप देखेंगे इंडेक्स फाइव से हमने क्यों सर्च करना है, क्योंकि अगर हम इंडेक्स फोर से करेंगे तो इंडेक्स फोर पर तो आई रखा हुआ है ना, तो क्योंकि इंडेक्स फोर पर तो आई रखा है और वो अभी भी फाउंड हुआ, तो अगर आपने इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दिया तो वो आगे वाले इंडेक्स फाइव से शुरू करेगा और देखेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये कैरेक्टर आई जो है वो किस इंडेक्स पर फाउंड हुआ, तो 15 पर। तो हमने देखा कि अब हमें नेक्स्ट सर्च कैसे परफॉर्म करना है, हमने कहा अब हम 5 से सर्च करना स्टार्ट करेंगे और आई का जो फर्स्ट अकरेंस होगा वो है 15 इंडेक्स पर, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें 15। तो जैसे ये 15 इंडेक्स हमें रिटर्न कर देगा हम उसको फ्रॉम वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो हमने फ्रॉम वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो फ्रॉम का वैल्यू क्या हो गया 15। नाउ तो हमने यहाँ पर अब इफ़ स्टेटमेंट देखना है, इफ़ फ्रॉम, फ्रॉम यानी मतलब 15 नॉट इक्वल टू -1 ट्रू। अंदर आओ, यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है आई फाउंड इट इंडेक्स 15, ठीक है, क्या प्रिंट होगा आई फाउंड इट इंडेक्स 15। इसके पहले क्या प्रिंट हुआ था आई फाउंड इट इंडेक्स 4। नाउ अभी हमें देखना है कि वाइल फिर से चेक करेगा 15 नॉट इक्वल टू -1 ट्रू, ट्रू तो फिर से रिपीट करो, हम फिर से डू बॉडी को रिपीट करेंगे। हमने कहा इसी स्ट्रिंग पर फिर से इंडेक्स ऑफ परफॉर्म करो, क्या सर्च करना है कैरेक्टर आई, कहाँ से सर्च करना है फ्रॉम इंडेक्स से, तो यहाँ लिखा है फ्रॉम प्लस वन से सर्च करो, फ्रॉम क्या है इस समय 15, तो 15 प्लस वन कितना हो गया 16। तो हमने कहा जो 16 इंडेक्स है वहाँ से सर्च करो, क्योंकि लास्ट अकरेंस कहाँ फाउंड हुआ था 15 पर, तो हमने कहा इंडेक्स 16 से हम सर्च करना शुरू करेंगे इस डायरेक्शन में, ये फ्रॉम इंडेक्स हो गया हमारा 16, 15 प्लस 1 16, 16 इंडेक्स से इंडेक्स आई को कैरेक्टर आई को सर्च करो। तो अब तो कोई भी अकरेंस नहीं है आई का, तो ये इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करेगा आपको तो मालूम है -1 रिटर्न करने वाला है, और उसको हमने फ्रॉम में स्टोर कर दिया, तो फ्रॉम का अब वैल्यू क्या हो गया -1, तो -1 हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे -1 इज नॉट इक्वल टू -1, ये तो गलत बात है, -1 इज इक्वल टू -1, यानी कि ये जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं -1 इज नॉट इक्वल टू -1 ये तो फेल हो गया, तो कुछ नहीं प्रिंट करेंगे। खैर हम आगे आएंगे यहाँ पर वाइल में क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम की करंट वैल्यू क्या है, जी हमने कहा -1 इज नॉट इक्वल टू -1, टेस्ट फेल हो गया, तो अब क्या होगा डू का जो ये हमारा डू वाइल है ये एग्जिट हो जाएगा, तो ये जो लूप है हम इसको एग्जिट कर देंगे, डू वाइल लूप को हम एग्जिट करेंगे, तो डू वाइल के बाद के जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स है उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर आई को सर्च किया, तो पहला अकरेंस 4 इंडेक्स पर फाउंड हुआ, नेक्स्ट जो अकरेंस है 15 पे फाइंड हुआ, लेकिन आपने देखा कि जब हमें वो फ्रॉम लोकेशन मालूम हो जाता है तो हम अगला सर्च नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप 4 से ही स्टार्ट करते तो फिर तो 4 इंडेक्स पर ही आपको आई फाउंड हो जाता, तो इस तरह से ये हमारा जो सर्च है वो ठीक से परफॉर्म नहीं हो पाता। तो आपने देखा हम ये कैसे सर्च परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडेक्स ऑफ का एक और वर्जन देखेंगे।